उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। असंभव है मेरे लिए कहना, वो कहलवाना चाहते थे कि तुमने एक विस्फोट किया है और मुस्लिमों को मारा है। देखिए, हम धर्म युद्ध के लिए निकले हैं, हम किसी भी चीज को कठिन नहीं मानते हैं। जो उन्होंने भगवा को आतंकवाद और हिंदुत्व को आतंकवाद बोला है, वो उनका हमारे लिए एक वो मुद्दा रहेगा। झीलों का शहर, नवाबी विरासत और नफासत का शहर, जायके का शहर, ये शहर भोपाल है। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े लड़ैया की जमीन के रूप में अब इस शहर की एक और पहचान बनने जा रही है। सबसे पहले उन्होंने जो बीज बोया है कि हमारे धर्म, सनातन धर्म और भगवा को जो अपमानित किया है, जो उन्होंने भगवा को आतंकवाद और हिंदुत्व को आतंकवाद बोला है, वो उनका हमारे लिए एक वो मुद्दा रहेगा। मुद्दा नहीं, मैं भगवा को सम्मान दिलाकर रहूंगी। मैं साध्वी प्रज्ञा जी का भोपाल में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि रमणीय शहर का शांत, शिक्षित और सभ्य वातावरण आपको पसंद आएगा। मैं माँ नर्मदा से साध्वी जी के लिए प्रार्थना करता हूँ और नर्मदा जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम सब सत्य, अहिंसा और धर्म की राह पर चल सकें। भोपाल की ये सियासी जंग लोकसभा चुनाव का कोई आम मुकाबला नहीं है। इस मुकाबले की जो पृष्ठभूमि है, वो इसे न सिर्फ दिलचस्प बना रहा है, बल्कि यहाँ से 23 मई को जो नतीजा आएगा, उससे देश की सियासत की दशा और दिशा भी तय हो सकती है। कितनी बड़ी चुनौती होगी ये अब आपके सामने? अब तो चुनौती नहीं है, ये तो राष्ट्र कार्य है, मैं सदैव से उसमें लगी हूँ। अब इस आयाम में मुड़ गई, इधर लग गई हूँ। लेकिन दिग्विजय सिंह हमेशा आप पर निशाना साधते रहे हैं, अब वही आपके सामने चुनाव मैदान में भी। प्रत्यक्ष सब कुछ सामने होगा, अभी सब अच्छा होगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके सामने? मुद्दे मैं बाद में बताऊंगी, अभी बाद में बताऊंगी। क्या दिग्विजय सिंह निशाने पे आपके रहेंगे? जो भी हमारे विपक्षी है वो तो निशाने पर ही है। दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार कर कांग्रेस ने मास्टर कार्ड खेलने की कोशिश की थी, लेकिन दो दिन पहले साध्वी प्रज्ञा को पार्टी में शामिल कर बीजेपी ने भोपाल से अपना प्रत्याशी बना दिया। जो दिग्विजय सिंह यूपीए राज में हिंदू आतंकवाद पर खुलकर बोलते थे, उनके खिलाफ 2008 के मालेगांव धमाके की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को उतारा जाना बीजेपी की तरफ से ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। संघ के लोग बोलते थे ये तो बात सही है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान क्यों होते हैं? लेकिन अब ये क्या हो रहा है, हम ये तो भी हमारा नारा हो गया है, हम उनसे पूछते हैं कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है, ये हमें बता दो। पिछले 5 सालों में देश का मिजाज बदल चुका है। समझौता ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले से हिंदू आतंकवाद की थियरी मुंह के बल गिर चुकी है। साध्वी प्रज्ञा भी बेल पर बाहर है। कांग्रेस खुद नरम हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। ऐसे में साध्वी के खिलाफ कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, वो सियासी दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। अब ये तो बीजेपी स्वतंत्र है चूज करे, अगर उनको और कोई नहीं मिला और प्रज्ञा के ऊपर आ गए तो बीजेपी की हालत इसमें स्पष्ट होती है। बीजेपी से और क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं? बीजेपी और उनका काम ही क्या? किस कारण से भाजपा ने साथियों को उतारा है, वो उनका दायित्व है, मैं भी डिफेंड नहीं करना चाहूंगा। कांग्रेस बोल रही है, लेकिन तेवर आक्रामक नहीं है। दूसरी तरफ जिन दलों का दांव पर कुछ भी नहीं, उन्होंने मोदी पर हमले के लिए साध्वी प्रज्ञा को हथियार बना लिया है। इखलास था, सिंसियरिटी थी, तो तुम एक पार्लियामेंट की सीट के लिए जिस पर टेररिज्म का चार्जेस है तुमने उसको कैंडिडेट बनाया। बताओ वजीर आजम, जो लोग मालेगांव में मर गए, ये तुम्हारी जीरो टॉलरिज्म है, ये तुम्हारा जीरो टॉलरेंस है। हिंदुस्तान की जनता, क्या आज आप ये देखकर खामोश रहेंगे?
वक्त उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्होंने सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है। विपक्ष हमले बोल रहा है लेकिन इन हमलों के सामने साध्वी प्रज्ञा ने अपने आंसुओं को ढाल बना लिया। ये जो बैंड मारते थे पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे और ये दिन और रात भूलते थे। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूं लेकिन इतना कह रही हूं कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। इतनी गंदी गालियां देते थे पीटते पीटते, उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे, असहनीय नहीं है मेरे लिए कहना। साध्वी प्रज्ञा सिंह रो रही थी, कहानी बता रही थी कि जब मालेगांव धमाकों में उन्हें आतंकवादी बताकर पकड़ा गया तो जेल खाने में क्या क्या हुआ। रात भर पीटते पीटते जब मेरे हाथ फटने लगते थे, उन्हें भय होता था कि पूरे हाथ इसके जब फट जाएंगे खून आ जाएगा बहने लगेगा, उस समय रोक देते थे। 3 बार पॉलीग्राफी टेस्ट हुए, 3 बार ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुए। ये टेस्ट मशीनी टेस्ट होते हैं जिनके कारण बॉडी में केमिकल्स दिया जाता है, उसके कारण मुझे कैंसर हुआ। साध्वी ने साफ कर दिया कि यह मुद्दा भावनात्मक है, यह मुद्दा हिंदुत्व का है, साध्वी के लिए यह धर्म युद्ध है। देखिए हम धर्म युद्ध के लिए निकले हैं, हम किसी भी चीज को कठिन नहीं मानते हैं, हम अपने उद्देश्य को लेकर निकले हैं और जिसका पक्ष धर्म का होता है, सत्य का होता है और सबके कल्याण का होता है वो निश्चित रूप से पक्ष अच्छा होता है, हमारा वही पक्ष है। जब बात साध्वी प्रज्ञा की हो रही है तो ये जानना जरूरी है कि उनके खिलाफ क्या मामला है। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा पर आरोप थे कि उनकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बम ब्लास्ट के लिए किया गया था, लेकिन 2016 में फाइनल चार्ज शीट में ये बात सामने आई कि जांच में जालसाजी की गई थी। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मकोका जैसी धाराओं को हटाया गया और ये कहा गया कि ये सबूत बहुत कमजोर हैं। NIA ने कहा कि प्रज्ञा के जिस मोटरसाइकिल के बम ब्लास्ट में इस्तेमाल करने की बात हुई थी वो 2 साल पहले से ही दी जा चुकी थी। इस केस में धारा 164 CRPC के तहत एक भी बयान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लिए गए। जिन चश्मदीदों से बयान लिए गए सबूतों के तौर पर उसमें दम नहीं पाया गया। बाद में NIA ने भी कोर्ट से कह दिया कि प्रज्ञा ठाकुर को जमानत देने पर उसको कोई आपत्ति नहीं है। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें पुरानी जांच में उठे संदेह के आधार पर 25 अप्रैल 2017 को जमानत दे दी थी। यहाँ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट से अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। लेकिन प्रज्ञा के बेल ने कांग्रेस के हिंदू आतंकवाद की थियरी की हवा निकाल दी। The message is that right-wing fundamentalist groups are suspected to be behind some bomb blasts. These are religious fundamentalist groups. The message ought not to be lost in phrases. हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या RSS के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं, इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। अब इन्हीं बयानों को लेकर कांग्रेस घिरी हुई है। भोपाल के मैदान में BJP अपना ब्रह्मास्त्र चला चुकी है। पूरी दुनिया में हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद कहकर पूरे देश को बदनाम किया गया है एक ओछी राजनीति के कारण। डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों को एक्सपोज करना चाहिए और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये पूरे देश की माफी मांगने की जरूरत है और हिंदू टेरर शब्द के जो 2-3 जनक थे उसमें से एक दिग्विजय सिंह थे, इसलिए उनके खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हम लड़ा रहे हैं। ये हिंदू टेरर वगैरह UPA सरकार में
क्रिएट किया गया एक मिथ था जानबूझकर, एक सेकुलर टेररिज्म में एक सेकुलर इक्विलिब्रियम लाने की दृष्टि से एक हिंदू टेरर नाम का नॉन एग्जिस्टेंट चीज को क्रिएट करने का प्रयास हुआ था। कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन के उस नियमावली के अंतर्गत कैंडिडेट्स को खड़ा होने का अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग करके ही उनको खड़ा किया गया है, कोई पोलराइजेशन वगैरह के लिए नहीं। इन तीखे बयानों से जरा समझिए भोपाल की लड़ाई कितनी भयंकर होने वाली है। भोपाल के अगर चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि पिछले 30 साल से ये बीजेपी का अभेद्य किला बना हुआ है। 1967 में जगन्नाथ राव जोशी ने भारतीय जनसंघ के टिकट पर जीतकर पहली बार भोपाल में कांग्रेस का वर्चस्व तोड़ा था, लेकिन 1971 में शंकर दयाल शर्मा ने जीत दर्ज कर फिर से भोपाल पर हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली। 1977 की जनता लहर में भारतीय लोक दल के आरिफ बेग जीते, लेकिन 1980 से 89 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1989 में सुशील चंद्र वर्मा ने पहली बार भोपाल सीट पर बीजेपी को जीत दिलाई। वो 1999 तक यहां से सांसद रहे, इसके बाद उमा भारती और फिर 10 साल तक कैलाश जोशी सांसद रहे। 2014 में बीजेपी से आलोक संजर निर्वाचित हुए। आतंक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन एक नारी को, भारत में जिस नारी का सर्वोच्च स्थान होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, निरपराध जेल भेजा गया, यातनाएं दी गई, झूठे आरोप लगाए गए, और वो सारे आरोप निराधार सिद्ध हुए और अदालत से उनको बरी किया गया। भोपाल बीजेपी का किला है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वापसी की, उसे देखते हुए मुकाबला बेहद आसान भी नहीं, जबकि सामने दिग्विजय सिंह जैसा कद्दावर नेता हो। अगर भोपाल की 8 विधानसभा सीटों पर दोनों दलों की ताकत को तौलेंगे तो बीजेपी 5 सीटें जीतकर मजबूत स्थिति में है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 3 सीट जीत पाई, यानी सत्ता विरोधी लहर में भी बीजेपी भोपाल में मजबूत बनी रही। भोपाल पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं। दिल्ली में लगा ये पोस्टर बता रहा है कि नतीजा जो भी हो, मायने गहरे निकलेंगे। जब से कांग्रेस ने भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह का टिकट पक्का किया है, दिग्गी राजा ने मंदिरों और मजारों का चक्कर तेज कर दिया है। रामनवमी के दिन वो भोपाल के मशहूर राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गए। पूजा के बाद उन्होंने मंदिर के सामने के जिला कांग्रेस की खाली जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को देने का ऐलान कर दिया। पिछले कई सालों से दिग्विजय सिंह के बयानों के जरिए जो छवि बनी है उसके ठीक उलट है ये तस्वीर। दिग्गी राजा के पुराने बयानों के आधार पर ही बीजेपी उन्हें हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त घोषित करती रही है। मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है कई वर्षों से रह रहे थे। शायद बीजेपी के हमलों का ही असर है कि कभी ओंकारेश्वर में माँ नर्मदा की पूजा तो कभी गुफा मंदिर में दर्शन। हरिहर मठ में संतों का आशीर्वाद हो या गैर विवादित बयानों से परहेज, दिग्विजय अपनी हिंदू विरोधी छवि ठीक करने में जुट गए हैं। ये जरूरी भी है क्योंकि भोपाल लोकसभा सीट पर हिंदू वोटरों की तादाद 74.05% है, जबकि मुस्लिम वोटर सिर्फ 22.16% है। अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे, विकास को लेकर, हमारे घोषणा पत्र को लेकर, हमारी सरकार के द्वारा जो काम शुरू किया उसके ऊपर। हमारा मुद्दा केवल एक है कि पिछले 30 साल से भाजपा का सांसद चुनकर भेज रहे हैं, क्या किया हिसाब दें। मोदी जी ने 5 साल में क्या किया हिसाब दें। हमारा मुद्दा केवल एक है। एक तरफ साध्वी प्रज्ञा जिनकी छवि कट्टर हिंदुत्व से भी आगे की है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह। भोपाल की सियासी लड़ाई हाई प्रोफाइल बन पड़ी है। नवाबों और नफासत का शहर
23 मई को जो भी फैसला सुनाएगा उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी।